Hello students, today we are going to continue with our second part of Middle East crisis Afghanistan. As you all know that from 1979 to 89, the Soviet Union invaded Afghanistan and for full 10 years there was a clash between Soviet Union and Afghanistan. Baad mein Mujahideen ka time aaya and they started using guerrilla warfare. And in 1989, as you know that after that, in 1991, USSR disintegrate ho gaya. Aur Soviet Union ke support mein jo bani hui government thi, 1991 mein Afghanistan mein gir jati hai. Uske baad Mujahideen sare government ka sara control apne haathon mein le lete hain. And Burhuddin Rubani, he became the president. So in this way, Taliban rule started in Afghanistan with the base at Kandahar. कंधार में वो अपना मेन सेंटर बना देते हैं और सितंबर 1996 देख के आते आते द कैपिटल काबुल वाज आल्सो सीज्ड फ्रॉम ऑल द साइड एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ तालिबान स्टेट एंड मोहम्मद मुल्ला मोहम्मद उमर ही बिकेम इट्स हेड एंड ही डिक्लेयर दैट इट इज़ एन इस्लामिक स्टेट के रूप में तालिबान को अफगानिस्तान को डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड At this time, the Taliban rule starts. Taliban, its rule started in 1996 and ended in 2001. You know that Taliban, it's an Arabic word has students sabhi ke liye. And under this rule, jab Taliban ka rule start ho gaya, Soviet-backed government gira di gayi Afghanistan mein, to a Sharia ke accordingly, sare ke sare, काम काज चलाने लग पड़े देर वॉज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट लार्ज एक्सटेंट नो राइट्स एंड फ्रीडम वर गिवन टू द वुमेन सेक्शन दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल दिस तालिबान रूल इट वॉज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ऑल्सो इन दिस टाइम इन दिस क्रूशियल टाइम टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन केम इन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड दैट वर Al-Qaeda and Taliban. In dono terrorist organization, they emerged as a very powerful terrorist organization and they did two attacks on the US hegemony ko challenge karne ke liye unhone do jagah par attack kiye. The first attack that was done by them, terrorist organization, it was done ऑन द यू एस एम्बेसी जो नैरोबी कीनिया में है वहाँ पर बॉम्बार्डिंग की गई बॉम्ब्स फेंके गए एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉम्बार्डिंग एट दर ए सलाम तंजानिया इन दोनों स्थानों पर बॉम्ब्स फेंके गए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अटैक अलकायदा ने किया दैट वॉज ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 की बात है 19 हाईजैकर्स अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर लेते हैं दे टुक ओवर द कंट्रोल और वन एयरलाइनर इट्स क्रैश्ड ऑन नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क एंड अ थर्ड क्राफ्ट क्रैश्ड इनटू पेंटागन बिल्डिंग इन अर्लिंगटन वर्जीनिया वेयर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट वॉज हेडक्वार्टर और फोर्थ एयरक्राफ्ट पेंसिल्वेनिया के फील्ड में जाकर गिर जाता है तो ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया उसने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की अनाउंसमेंट कर दी एंड दिस इज़ योर थर्ड अफगान वॉर विच यू कैन कॉल अफगान वॉर जो थर्ड है ये 2001 से स्टार्ट होती है और 2014 तक ख़त्म होती है ग्लोबल वॉर टेरर को हम एंटी अफगान वॉर भी कहा जाता है इसके अंडर जब अफगानिस्तान के दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्बेसी यूएस एम्बेसी पर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स की हेजमनी को बहुत बड़ा खतरा वह बौखला उठा और उस समय उसने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया जो कि आपकी बुक में भी थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अंदर जितने सस्पेक्ट थे अलकायदा और तालिबान रिजाइम के अफगानिस्तान पर उन पर अटैक किया गया उनको लाकर ग्वांटानामो बे में एक यूएस नेवल बेस था जहां पर आके उन्हें प्रिजनर्स के रूप में रखा गया और वहां पर यूनाइटेड नेशंस की भी आर्मी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स भी काम जाकर वहां पर एंट्री नहीं कर सकते थे तो जैसे 11 सितंबर को 9/11 का अटैक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम
स्टार्ट करता है। इस ऑपरेशन के अंडर करीब एक महीने के अंदर अंदर 9/11 के बाद 7 अक्टूबर को ज्वाइंट फोर्सेस कनाडा, यूके, नेटो एंड यूनाइटेड स्टेट्स की ये ज्वाइंट एक्शन लेती हैं और बाय दिसंबर 2001 तालिबान गवर्नमेंट को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। इट वॉज ब्रूटली तालिबान्स वर किल्ड, दे वर डिफीटेड इन दिस बैटल एंड गुरीला वॉरफेयर ऑल्सो इट वॉज यूज एंड आफ्टर दैट आफ्टर दिस एंड ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन 2001 हामिद करजाई वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन फिर भी तालिबान्स के लोग, तालिबान जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से इनके लोग चुप करके बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी इंसर्जेंसी कंटिन्यू रखी, एक ऐसा माहौल बना के रखा। वो देश अगेन एंड अगेन दे ट्राई टू रिकैप्चर मैनी सिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ पर उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए बार बार कोशिश कर की उन्होंने कोशिश की और जो फाइनल एंड गेम था दैट वॉज प्लेड इन द मंथ ऑफ मे 2011। फाइनल एंड गेम यूएसए ने लॉन्च किया। इन दिस एंड गेम वन ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड दैट इज नोन एज ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। इन दिस द अलकायदा लीडर, द मेन लीडर ओसामा बिन लादेन, ही वॉज किल्ड, लादेन वॉज किल्ड। आपने कई बार नेट पर भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, हेलीकॉप्टर वाला वो सीन जिसमें कि अटैक किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। सो ओसामा बिन लादेन मे 2011 तक मार दिया जाता है एबटाबाद पाकिस्तान में। ये ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर को सक्सेसफुल बनाया गया और जो 9/11 के अटैक्स का मास्टरमाइंड था दैट टेररिस्ट वॉज किल्ड। तो इसके बाद 2013 में मुल्ला उमर वॉज किल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस एंड बाय द एंड ऑफ 2014 देयर वर नेगोशिएशंस मेड। जब लादेन ही मर गया, तालिबान का ही एंड हो गया, तो 2014 तक ये नेगोशिएशंस करवाई गई कि बार बार ये जो सोल्जर्स हमारे बिना काम के अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उनको बुला लिया जाए, तो वार्तालाप स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में एक ट्रेटी साइन हुई, जिस ट्रेटी में एक साइड यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरी तरफ तालिबान लीडर्स थे, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक ट्रेटी कह लो, एक समझौता कह लो, समझौता साथ हो गया। एंड अंडर दिस ट्रेटी द ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड बैक, ट्रूप्स को वापस बुला लिया गया एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स द ट्रूप्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दे स्टेड देयर, क्योंकि बहुत सारे अफगानिस्तान में बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स भी मारे गए थे। उन्होंने करीब जो 2001 में कंबाइंड फोर्सेस कनाडा, यूके, नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स की कंबाइंड फोर्सेस मिलिट्री के रूप में गई थी अफगानिस्तान में, उनको बुला लिया गया एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड बैक फ्रॉम अफगानिस्तान इन फरवरी 2020। और ये आस की जाती है कि वहाँ पर, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत ही कंट्रोल में कर लिया गया है। दिस इज़ ऑल विद योर मिडल ईस्ट क्राइसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।